या तो हमें मुकम्मल चालाकियां सिखाई जाएं, नहीं तो मासूमों की अलग बस्तियां बसाई जाएं। चालाक लोग और उनकी चालाकियां इस दुनिया में ना कभी खत्म हुई हैं और ना ही कभी खत्म होंगी। लेकिन एक बात तय है, कोई भी इंसान भले ही कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी उसकी चालाकी सबके सामने आ ही जाती है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे किरदार के बारे में है जो अपने एक दोस्त के साथ बड़ी होशियारी से एक बहुत बड़ी चालाकी करने की कोशिश करता है, और कैसे उसकी चालाकी पर से पर्दा उठता है ये देखने और सुनने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारी आज की कहानी रोल डाल की टेस्ट। कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि कहानी रोल डाल ने फर्स्ट पर्सन में लिखी है, मतलब रोल डाल खुद इस कहानी में किरदार हैं जिनकी आंखों के सामने पूरी कहानी घटी है और उसी को उन्होंने इस कहानी के फॉर्म में लिखा है। तो कहानी की शुरुआत होती है माइक शोफील्ड के घर से। माइक शोफील्ड इस कहानी के मुख्य किरदारों में से एक किरदार, जिन्होंने आज अपने घर में एक डिनर पार्टी होस्ट की है। उन्होंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को इस डिनर पार्टी पर बुलाया है, जिसमें रोल डाल इस कहानी के लेखक भी शामिल हैं। कुछ 7-8 लोग डिनर टेबल पर बैठे हैं, जिनमें माइक शोफील्ड, उनकी पत्नी, उनकी बेटी लुइस और वन ऑफ द स्पेशल गेस्ट रिचर्ड प्रैट हैं। रिचर्ड प्रैट माइक शोफील्ड को कुछ समय से जानते हैं और इस घर में पहले भी उनका आना जाना रहा है। डिनर पार्टी, लंच पार्टी में वो इस घर में आ चुके हैं। रिचर्ड प्रैट एक वाइन कॉनोजो है, मतलब वाइन टेस्ट करके वो बता सकते हैं कि वाइन कब बनी है, कहां से आई है और भी बहुत सारी डिटेल्स उस वाइन के बारे में वो बताने में एक्सपर्ट हैं। और माइक शोफील्ड इससे पहले 2 दफा उनकी इस एक्सपर्टीज को टेस्ट कर चुके हैं, मतलब वो कहीं से स्पेशल वाइन लेकर आते हैं, उनके ग्लास में डालते हैं और रिचर्ड 2-3 सिप में बता देते हैं कि ये वाइन फ्रांस में किस डिस्ट्रिक्ट के, किस काउंटी के, किस वाइनयार्ड से आई है। उनका एक्सपर्टीज लेवल, उनकी जो महारत है वाइन्स को टेस्ट करने में और उनकी डिटेल बताने में, वो उस लेवल की है। तो माइक शोफील्ड जो जानते हैं कि रिचर्ड प्रैट एक अच्छा एक्सपर्ट है वाइन्स का, आज उनकी इस एक्सपर्टीज को टेस्ट करने के मूड में है, इसलिए उन्होंने रिचर्ड को इस डिनर पार्टी में बुलाया है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि आज इस डिनर पार्टी में रिचर्ड जब इस वाइन को टेस्ट करेगा तो नहीं बता पाएगा कि वाइन कहां से आई है। लेकिन रिचर्ड प्रैट इस सबसे बेफिक्र, वो माइक शोफील्ड की बेटी लुइस, जो कि उन्हीं के साथ डिनर टेबल पर बैठी है, उसके साथ बातों में पूरी तरह मशगूल हैं। उन्हें और किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है। वैसे लुइस उनसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो करीबन उससे दुगनी उम्र के हैं, लेकिन रिचर्ड प्रैट लुइस को काफी पसंद करते हैं और उससे बात करते करते कुछ और खाने पीने पर भी उनका ध्यान नहीं है। इतने में ही घर की मेड स्टार्टर्स लेकर आती हैं और सबकी प्लेट में स्टार्टर्स में फिश सर्व करना सबको शुरू करती हैं और थोड़ी थोड़ी वाइन सबके ग्लासेस में डालना शुरू करती है। ये वो वाइन है जो अभी टेबल पर है, ये वो स्पेशल वाइन नहीं है जिसे माइक शोफील्ड ने अभी छुपा कर रखा हुआ है। तो सबके ग्लासेस में वाइन डलती है, सबकी प्लेट्स में फिश आती है एज अ स्टार्टर, सब खाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन रिचर्ड अभी भी लुइस से बात करने में मसरूफ हैं। और जब मेड सबकी प्लेट्स क्लियर करना स्टार्ट करती है तब उन्हें एहसास होता है कि मैंने अपना स्टार्टर खाना शुरू भी नहीं किया, तो फटाफट अपनी फिश खाते हैं, फटाफट अपनी वाइन पीते हैं और सबको ये एहसास दिलाते हैं कि हाँ वो सभी के साथ हैं, वो सिर्फ लुइस से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे माइक की नज़रें हर वक्त रिचर्ड पर ही थी कि वो किस तरह उनकी बेटी से बात करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था, किस तरह वो बाकी सबको टेबल पर इग्नोर कर रहा था, लेकिन उन्हें इंतज़ार था सही वक्त का कि कब उन्हें अनाउंस करने का मौका मिले कि आज तीसरी बार
रिचर्ड के साथ वो फिर एक बार एक शर्त लगाने वाले हैं कि जो वाइन वो लेकर आए हैं वो उसके बारे में सब कुछ सही सही बता पाएगा या नहीं। और बस जैसे ही मेड सबकी प्लेट्स क्लियर करती है, वहां से ग्लासेस क्लियर करती है और हल्की सी शांति टेबल पर होती है, तुरंत माइक शोफील्ड उसका फायदा उठाते हुए खड़े होते हैं और अनाउंस करते हैं कि दोस्तों अब डिनर सर्व होने वाला है और आज डिनर में मैं एक बहुत स्पेशल वाइन की बॉटल फ्रांस के एक बहुत स्पेशल वाइन यार्ड से, जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना भी ना होगा, मैं वहां से लेकर आया हूं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उस वाइन के बारे में हमारे ऑल फेमस रिचर्ड प्रैट, जो कि एक वाइन कॉनेसर है, वो भी नहीं बता पाएंगे कि वाइन कहां से आई है। रिचर्ड उनकी बात को ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, वो नजरअंदाज करते हैं कि ठीक है, ये माइक की हर बार की आदत है उन्हें किसी ना किसी बेट में या शर्त में उलझाने की, तो वो सिर्फ उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। तो रोल डाल जो राइटर टेबल पर बैठे हैं वो माइक से पूछते हैं कि माइक कहाँ है वो वाइन की बॉटल। तो माइक उन्हें बताते हैं कि वो बॉटल अभी उनकी स्टडी में रखी है। तो ये पूछते हैं कि स्टडी में ही क्यों? तो कहते हैं कि स्टडी में जो रूम टेम्परेचर है वो काफी अच्छा है और वाइन अभी थोड़ा सा, मैंने उसकी कैप को ओपन किया है तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हो रही है और जब तक मैं उसे डाइनिंग टेबल पर लाऊंगा उसका टेस्ट एकदम परफेक्शन तक पहुंच चुका होगा। तो रोल डायल, माइक शोफील्ड की पत्नी, सभी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अब आप देर ना करते हुए उस बॉटल को लेकर आएं और हम सभी को सर्व करें। तो माइक शोफील्ड अपनी स्टडी में जाते हैं, वहां से उस बॉटल को पिक करते हैं और एक कपड़े से लिपटी हुई वाइन की बॉटल उनके हाथ में सबको नजर आती है। कपड़े से लिपटी इसीलिए ताकि उसकी डिटेल, क्या नाम है, किस जगह से वो वाइन आई है, उसकी कोई भी डिटेल किसी को नजर ना आए, क्योंकि माइक शोफील्ड का पर्पस सिर्फ इस वाइन को सर्व करके सबको पिलाना और खुश करना नहीं है, उनका पर्पस रिचर्ड को ये दिखाना है कि देखो तुम इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं हो कि तुम इस वाइन के बारे में सब कुछ ठीक ठीक बता पाओ। और रिचर्ड से मुखातिब होते हुए कहते हैं, तो रिचर्ड बताओ, लगता है तुम्हें कि तुम इस वाइन के बारे में सब कुछ सही सही बता पाओगे? रिचर्ड फिर एक बार उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं ठीक है मैं कोशिश कर सकता हूं। तो माइक कहते हैं नहीं, कोशिश नहीं, शर्त लगानी पड़ेगी। जिस तरह पिछली दो बार हमने शर्त लगाई और दोनों बार तुम जीते, उसी तरह इस बार भी किसी ना किसी चीज को लेकर कोई शर्त होनी चाहिए। तो माइक के कॉन्फिडेंस को देखते हुए रिचर्ड उनसे कहते हैं, चलो इस बार एक काम करते हैं, कुछ बड़ी शर्त लगाते हैं। माइक कहते हैं बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ, मैं तो चाहता हूं कि बड़ी शर्त लगे। तो माइक उनसे कहते हैं, तुम बताओ, एक पूरी वाइन बॉटल की क्रेट या फिर कई सारी क्रेट्स, जितनी बड़ी तुम शर्त कहो मैं उसके लिए तैयार हूं। तो रिचर्ड कहते हैं नहीं, ये वाइन बॉटल, वाइन की क्रेट्स, ये सब छोटी चीजें हैं, कुछ बड़ा। तो माइक कहते हैं चलो बताओ, 1,000 pounds। अब इतने में ही जो माइक की वाइफ जो टेबल पर बैठी होती है वो कहती है, माइक तुम बेकार की बातें मत करो, ये जरा सी चीज के लिए, एक वाइन टेस्ट करने के लिए और उसकी डिटेल्स बताने के लिए बेवकूफी मत करो। लेकिन रिचर्ड कहते हैं नहीं नहीं, माइक बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन 1,000 pounds भी कोई बड़ी चीज नहीं है, कुछ और बड़ा करते हैं। तो माइक उनसे पूछते हैं कि तुम बताओ, तुम ऐसा क्या बड़ा चाहते हो, ऐसी कौन सी बड़ी शर्त लगाना चाहते हो? तो रिचर्ड एक बार सबकी तरफ नजर घुमाते हैं और फिर माइक की आंखों में देखते हुए कहते हैं कि अगर मैं इस वाइन को पहचान गया, इसकी एक एक डिटेल मैंने तुम्हें बता दी कि किस वाइनयार्ड से आई है, किस साल में बनी है, अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहूंगा। ये बात सुनते ही माइक की बीवी और उनकी बेटी लुइस, जो वहीं टेबल पर थी, वो एकदम बिफर जाते हैं। वो कहते हैं ये कैसी वाहियात बात है, ये कितनी शर्मनाक बात कर रहे हो तुम रिचर्ड। तो रिचर्ड कहते हैं देखिए कोई शर्मनाक बात नहीं है, माइक ने मुझसे कहा कि तुम किस बात की शर्त लगाना चाहते हो, तो मैं आपकी बेटी से शादी की शर्त लगाना चाहूंगा। माइक ने कहा देखो रिचर्ड, ये एकदम इनवैलिड बेट है, मतलब इस शर्त का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि शर्त में दोनों पार्टीज को सेम चीज मिलनी चाहिए, सेम चीज कोई जीते, सेम चीज कोई हारे, तभी उसे एक वैलिड शर्त या वैलिड बेट कहा जाता है। तो माइक कहते हैं कि मेरी बेटी है लेकिन तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, तो मतलब अगर मैं जीता तो मुझे क्या मिलेगा? तो रिचर्ड कहते हैं ठीक है, मान लिया मेरी बेटी नहीं है,
लेकिन एक बहुत बड़ा घर है मेरे पास, तो मैं उस घर को इस बेट में लगाने के लिए तैयार हूं। अब ये बात सुनकर माइक की पत्नी और ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि माइक तुम ये सब बकवास बिल्कुल बंद करो अभी और चुपचाप बैठकर खाना खाओ और वाइन सर्व करो सबको। लेकिन माइक की नजरें अब सिर्फ रिचर्ड की तरफ होती हैं और माइक उनसे कहते हैं कि नहीं, जितनी खूबसूरत मेरी बेटी है सिर्फ एक घर से बात नहीं बनेगी। तो रिचर्ड ने उनसे कहा कि अच्छा तुम्हें लगता है अगर एक घर काफी नहीं है तो मैं अपने दोनों घर इस शर्त में लगाने के लिए तैयार हूं, अगर मैं हारा तो मेरे दोनों घर तुम्हारे और अगर तुम जीते तो मैं लुइस से शादी करूंगा। ये बात रिचर्ड के मुंह से निकलते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है, टेबल पर सब चुप हो जाते हैं और लुइस पूरे गुस्से में माइक से कहती है कि पापा मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा भाईयात बात नहीं सुनी और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों आप इन्हें डांट नहीं रहे हैं, क्यों आप इन्हें चुप नहीं करा रहे हैं। तो माइक लुइस की तरफ देखता है और कहता है कि बेटा मेरी बात सुनो, ये कोई मजाक बात नहीं है, वो अपने दोनों घर शर्त में लगाने के लिए तैयार है। तुम सोचो अगर ये शर्त हारा तो आज 10 मिनट के अंदर अंदर तुम पूरी जिंदगी के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगी। लुइस कहती है कि पापा मुझे कोई बात सुननी नहीं है आपकी, आप प्लीज ये सब बंद कीजिए और आराम से बैठकर खाना खाइए बस। माइक किसी तरह लुइस को समझाता है, उसकी पत्नी लगातार उससे कहती रहती है कि नहीं माइक तुम ये नहीं करोगे, लेकिन माइक लुइस से कहता है कि लुइस मेरा यकीन मानो, ये इतना बड़ा भी वाइन एक्सपर्ट नहीं है, इतना बड़ा भी वाइन कॉनोसर नहीं है कि ये इस वाइन के बारे में पता लगा ले। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि ये नहीं पता लगा पाएगा कि वाइन कहां से आई है, किस साल में बनी है। और अल्टीमेटली माइक के बार बार कहने पर, दबाव डालने पर लुइस मान जाती है और कहती है कि अगर आप कहते हैं कि ये वाकई में नहीं बता पाएंगे, ये गारंटेड हारेंगे, तो ठीक है मुझे मंजूर है। और बस माइक खुशी के मारे टेबल पर हाथ मारता है और उस वाइन को रिचर्ड के पास ले जाकर उसके ग्लास में, एक नए ग्लास में उस वाइन को पोर करता है, उस वाइन को डालता है। और बस अब शुरू होती है रिचर्ड की गेसिंग। रिचर्ड सबसे पहला घूंट वाइन का लेता है और उसे पूरी तरह से एंजॉय करता है, उसके टेस्ट को पूरी तरह से समझने की कोशिश करता है। टेस्ट करते ही उसे समझ में आ जाता है कि ये वाइन फ्रांस में बॉर्डियो नाम की जगह से है। अब उसे ये पता लगाना होता है कि बॉर्डियो में कौन सी डिस्ट्रिक्ट, तो फिर एक बार उसे टेस्ट करके वो टेस्ट पता करने की कोशिश करता है कि सेंट एमिलियन या ग्रेव्स से नहीं हो सकती क्योंकि इसका टेस्ट उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो बॉर्डियो में फिर एक ही जगह ऐसी है जहां से ऐसे हल्के टेस्ट वाली और कुछ देर में हल्की हल्की मिठास देने वाली वाइन मिलती है और वो जगह है मैसडॉक। और जैसे ही मैसडॉक का नाम वो टेबल पर लेता है, तुरंत वो देखता है कि माइक के चेहरे का रंग थोड़ा सा बदला है, तो वो समझ जाता है कि ये मैसडॉक से है। तो अब ये क्लियर हो जाता है कि बॉर्डियो और उसके अंदर मैसडॉक से वाइन है, लेकिन मैसडॉक में अब बहुत सारे वाइन यार्ड्स हैं, मतलब बहुत सारी जगह हैं जहां पर वाइन बनती है। तो अब अगला स्टेप था ये ढूंढना, ये पता लगाना कि मैसडॉक में ये कहां से बनकर आई होगी। तो फिर एक बार वो वाइन का सिप लेता है, फिर एक बार अपनी जीभ अपने होठों पर घुमाता है, अच्छी तरह से उस वाइन को टेस्ट करता है, उसकी एक एक ड्रॉप को फील करने की कोशिश करता है। और फिर वो कहता है कि मैसडॉक में मार्गो या पॉलेक कम्यून से ये वाइन नहीं हो सकती क्योंकि वहां की वाइन फिर थोड़ी सी स्ट्रांग होती है लेकिन ये उतनी स्ट्रांग वाइन नहीं है। और इतने में ही अब थोड़ी सी टेंशन में आकर लुइस, माइक की बेटी, वो अपनी सिगरेट जलाने लगती है। तो तुरंत रिचर्ड उसे रोकता है कि नहीं लुइस, तुम सिगरेट नहीं पियोगी क्योंकि सिगरेट की स्मेल से उसे वाइन के बारे में पता लगाने में शायद थोड़ी तकलीफ होती। तो लुइस भी रुक जाती है और अपनी सिगरेट एक तरफ रख देती है। फिर एक बार रिचर्ड अपने ग्लास में से वाइन सिप करता है और कहता है कि मार्गो और पॉलियक नहीं तो फिर एक ऐसा वाइनयार्ड जिसमें कम से कम इस साल के अंदर 3 से 4 बार वाइन्स बनाई गई हो, क्योंकि ये पहली प्लांटेशन की वाइन नहीं है, ये कम से कम तीसरे या चौथे प्लांटेशन की वाइन है। तो ऐसा कौन सा कम्यून है उस जगह में जहां तीसरी या चौथी प्लांटेशन हुई है? और तभी वो तुरंत कहता है बेशविल। बेशविल वो कम्यून है जहां पर एक्चुअल में चौथी प्लांटेशन हुई थी। और वो समझ जाता है कि हाँ, यही वो जगह है, यही वो कम्यून है जहां से वाइन है। तो वो अब कम्यून तक पहुंच गया, मतलब एक
एरिया तक पहुंच गया है कि उस एरिया से ये वाइन आई है। लेकिन अब उस कम्यून के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वाइन यार्ड्स हैं, छोटी छोटी जगह हैं जहां से वाइन बनकर आती है। तो अब उसे ये पता लगाना था कि कौन सी जगह होगी जहां से वाइन होगी, और बस एक आखिरी घूट उस वाइन का भर के अपनी बंद आंखों के साथ वो पूरी तरह से पहचानने की कोशिश करता है कि कौन सी वो जगह है बैशविल में, कौन सा वो वाइन यार्ड है जहां से बनकर आई है। अपनी बंद आंखों के साथ ही वो कुछ नाम लेने शुरू करता है, शैटे, शैटे टैबो। उसके इन नामों के साथ सबको माइक के चेहरे का रंग उड़ता दिखता है, क्योंकि वाकई में वो अब उस जगह के आसपास पहुंच रहा था जहां से ये वाइन आई थी। और तभी एकदम उसके मुंह से निकलता है, शैटे ब्रेनर डुक्रू। वो अपनी आंखें खोलता है, माइक की आंखों में देखता है और अपना ग्लास उठाते हुए कहता है, शैटे ब्रेनर डुक्रू, यही वो वाइनयार्ड है जहां से वाइन आई है। उसके इन्हीं शब्दों के साथ माइक का चेहरा सफेद पड़ जाता है। लुइस टेबल के दूसरे एंड से माइक से पूछती है, पापा बताइए, ये गलत जवाब है राइट, आप बताइए इन्हें। लेकिन माइक के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। माइक की पत्नी, जो पहले से ही इस पूरे खेल से, इस पूरे प्रोसेस से खफा थी, अब माइक का चेहरा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि रिचर्ड जीत गया है, रिचर्ड ने सही पता लगा लिया है। तो माइक से कहती है कि माइक तुम चुप क्यों हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो रिचर्ड सबसे कहता है कि वो कुछ बोलने लायक नहीं है, मेरा जवाब सही है। क्यों माइक? तो माइक रिचर्ड से कहते हैं कि रिचर्ड मेरे साथ जरा बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिचर्ड कहते हैं, नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम बस ये बताओ कि मेरा जवाब सही है या नहीं। और इतने में ही हॉल के अंदर घर की मेड दाखिल होती है। वो रिचर्ड के पास आती है और उससे कहती है, सर ये आपका चश्मा, आपके स्पेक्टिकल्स, जो आप सर की मतलब माइक की स्टडी में भूल आए थे। तो माइक की पत्नी पूछती है कि ये उनकी स्टडी में कब गए। तो बताती है कि यहां डिनर स्टार्ट होने से पहले ये वहां स्टडी में ही थे और कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और शायद तभी इनका चश्मा वहां छूट गया होगा। और बस ये सुनते ही माइक को और बाकी सबको समझने में देर नहीं लगती कि रिचर्ड खाना शुरू होने से पहले ही उसकी स्टडी में रखी इस बॉटल पर सब कुछ पढ़ाया था, और यहां वो सिर्फ वाइन के बारे में सब कुछ बताने की एक्टिंग कर रहा था। तो जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में बात की कि चालाक इंसान की चालाकी ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती, वो कभी ना कभी पकड़ी जरूर जाती है, उसी तरह रिचर्ड की चालाकी, जो उसने उस स्टडी में जाकर पहले ही वाइन की डिटेल्स पढ़कर और यहां फिर वाइन के बारे में पता लगाने की एक्टिंग करके की, अल्टीमेटली सबके सामने आ ही गई। रोल डायल ने इसके बारे में नहीं लिखा कि उसके बाद माइक ने रिचर्ड के साथ क्या किया, उसका क्या हश्र हुआ, उसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन हाँ, अपनी बेटी की शादी उस आदमी के साथ कुछ सेकंड्स के लिए सोचकर भी जो हालत माइक की हुई होगी वो हम सब समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।